अरे पूरा देश परेशान है, सलमान शादी कब कर रहे हैं? करना नहीं चाहिए, इतना पतला दुबला आदमी हिम्मत कर रहा है यार, इतना पतला दुबला आदमी हिम्मत कर रहा है और वो अभी तक लगा हुआ है यार। खामोश, क्योंकि नेशनल डिबेट बन चुके सलमान खान की शादी के मुद्दे पर बोलने के लिए सामने आ गए हैं उनके भाई अरबाज खान। अरबाज बोलेंगे तो बोलती बंद हो जाएगी सबकी, क्योंकि सलमान को जितनी अच्छी तरह से अरबाज जानते हैं शायद ही जानता हो कोई और। सलमान के साथ शायद प्लानिंग भी नहीं होगी। एक दिन शायद रात को 3 बजे एक फोन आएगा कि आ जाओ हम लोग, मैंने शादी कर ली। यानी सलमान की शादी करने के लिए उनके हाथ पैर बांधने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फिर पिछले दिनों आमिर और सलमान हाथ पांव बांधने की बात कहकर क्यों इस मुद्दे को उलझा रहे थे? सलमान के हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ेगी। मैं भी उनके हाथ पैर बांधूंगा ताकि अगेन शादी नहीं करे। अरबाज तो बता रहे हैं कि शादी के लिए सलमान के हाथ पैर बांधने की नहीं बल्कि खोलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी फैमिली और फैंस को कर सकते हैं सोहेल की तरह सरप्राइज। सोहेल कोई भाग भूक के आ गया था रात के 3 बजे के, कौन है, शादी होगी। बट सलमान साहब जैसे एक्सपेक्ट कर सकते, सलमान के साथ शायद ऐसे हो सकता है कि सडनली बोल दे कि हाँ कर ली मैंने। अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं सलमान शादी? ऐसा क्या है जो सलमान को शादी करने से रोक रहा है? तो सलमान के शादी ना करने के रीजन भी खुद अरबाज ही गिना रहे हैं। रीजन नंबर 1, मम्मी पापा नहीं कर रहे हैं ब्राइड हंट। माँ बाप भी ऐसे हैं जो इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं। कि तू अपनी मर्जी से शादी कर ताकि जो भी जिससे शादी करनी दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नीदर इज ही ऑफ दैट नेचर कि जो मेरी माँ लेके आएगी मैं तो बस उससे शादी करूँगा, वो नहीं है सिनेरियो। ना पेरेंट्स उस नेचर के कि भाई हमें करना चाहते हैं। रीजन नंबर 2, सलमान को शायद अब तक नहीं मिला सच्चा प्यार। आदमी किस रीजन से शादियां करता है? शादी इस वजह से करता है कि he is in love with somebody who wants to spend the rest of the life with. Probably he has not found that person. रीजन नंबर 3, सलमान शायद हैं कमिटमेंट फोबिक। जो शादी के साथ जो एक कमिटमेंट होता है टाइम का होता है, बाकी की चीजों का होता है, कमिटमेंट्स होते हैं, वो शायद मैं अब रेडी नहीं हूँ उसके लिए। रीजन नंबर 4, शादी से भी ज्यादा जरूरी प्रायोरिटीज हैं सलमान की लाइफ में। He has probably got so many things in life to do, which he wants to do, which he doesn't think is an important aspect right now. Reason number 5, he loves the eternal bachelor tag. Sulman likes to still feel like he's a eligible bachelor and a youngster and you know enjoying everything in life. सलमान के शादी ना करने के ये 5 रीजंस गिनाने के बावजूद अरबाज को पूरी उम्मीद है कि रात के 3 बजे भी हो सकती है सलमान की शादी। हैदराबाद में हो रही है एक आलीशान शादी जहां डांस करने के लिए गए शाहरुख एंड प्रियंका। इसके साथ साथ बॉलीवुड से इस मैरिज फंक्शन को अटेंड करने कौन कौन गया? वेल, ये सब जूम की टीम ने कैप्चर किया मुंबई एयरपोर्ट पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जूम आपको दिखा रहा है मुंबई एयरपोर्ट की। यहाँ शाहरुख और प्रियंका हैदराबाद के लिए फ्लाइट पकड़ने आए हैं। वेल, शाहरुख और प्रियंका हैदराबाद में होने वाली एक आलीशान शादी में परफॉर्म करने जा रहे हैं और सोर्सेज की माने तो इसके लिए दोनों को मिला है ह्यूज अमाउंट भी। वेल, इसके अलावा इस शादी में जाते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर जूम के कैमरे में कैप्चर हुए करण जौहर, नंदिता मेहतानी और पूनम ढिल्लो भी। खबरें हैं कि बच्चन फैमिली भी इस आलीशान शादी को अटेंड करने जाएगी। वैसे तो सुनने में ये भी आया है कि सलमान खान को भी इस शादी के लिए इनविटेशन आया है पर वो शायद न जाएं। पहले इस आलीशान शादी में और भी कौन कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहुंचते हैं ये अपडेट्स भी हम आपको जूम पर देते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग। फिल्म आरक्षण का कल दिखाया गया फर्स्ट लुक जिसमें प्रेजेंट थे अमिताभ बच्चन और प्रतीक बब्बर भी, लेकिन मजाल है प्रकाश झा ने किसी को कुछ भी बोलने दिया हो। मैं जानता हूँ कि हो सकता है कि इसमें आपके मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, लेकिन हम सब यहाँ पर मौजूद हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप उससे
संतुष्ट होंगे। आप तो यहाँ पर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं, लेकिन आप जवाब तो तब देंगे ना जब प्रकाश झा आपको कुछ बोलने का मौका देंगे, क्योंकि हमें तो लगता है कि प्रकाश झा कसम खा कर आए हैं कि सारी की सारी लाइमलाइट उन्हें ही मिलनी चाहिए। जी हाँ, आपको ये जानकर थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन ये सच है कि कल हुए आरक्षण के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश झा मानो ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट पाने के लिए आरक्षण करके आए थे। तभी तो 3 घंटे चली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2.5 घंटे सिर्फ प्रकाश झा ही बोले। सर, आपको अपनी जगह आरक्षित करानी है कि पूरी फिल्म भी जब आप देखेंगे आपको पसंद आएगी। देखिए तो सही, कैसे होस्ट बनकर पहले सभी को बुला रहे हैं पोस्टर पर स्टैंप लगाने के लिए, उसके बाद नसीहत भी दे रहे हैं कि कहाँ स्टैंप मारें और कहाँ नहीं। You're not allowed to stamp on Deepika's face, huh? इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब अमिताभ बच्चन को कुछ बोलने का मौका मिला तो उन्होंने मजाक में ही सही पर एक बात तो सच ही बोल दी। जय अक्सर कहती थी कि अगर आप इनके साथ काम करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। पागल तो हो ही जाएंगे जब आप फिल्म के प्रमोशन में आए और ये आपको कुछ बोलने का मौका भी ना दें। तभी तो जब कुछ बोलने का मौका मिला भी तो अमिताभ ने सवालों को प्रकाश झा पर ही डाल दिया। ये दोनों प्रश्नों का जवाब प्रकाश जी देंगे। जब हर सवाल का जवाब प्रकाश झा को ही देना पड़ा तो आखिर में उन्होंने बोल ही दिया। बहुत कठिन कठिन सवाल ना पूछे। वेल, प्रकाश झा ने सवालों से तौबा कर ली तो आखिर में मीडिया ने पकड़ लिया प्रतीक बब्बर को और पूछ लिया कि भाई आपकी आरक्षण पर क्या राय है। I guess common sense would be class. बस कितना गैस करेंगे आप, हमें समझ में आ गया है कि आपको तो कुछ और बोलना आता ही नहीं और अमिताभ बच्चन को प्रकाश झा बोलने नहीं दे रहे। ये दोनों प्रश्नों का जवाब प्रकाश जी देंगे। सो ऑल इन ऑल ये है आरक्षण का प्रमोशन नहीं, प्रकाश झा का प्रमोशन। MF हुसैन नहीं रहे हमारे बीच और इस बात से पूरा बॉलीवुड शॉक्ड है। अमृता राव ने जूम पर आकर बताया कि इट्स अनडाउटेडली अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर हर। इट्स बीन अ पर्सनल लॉस टू मी। ये बोलते बोलते अमृता राव की आंखें नम हो गईं। रो पड़ी अमृता। अमृता के लिए ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस है। जब भी मैं दुबई में गई तब उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, गिव मी ऑल द फैसिलिटीज, वेदर इट वॉज एक्सटेंडिंग हिज कार फॉर माई कन्वीनियंस और comforting me, you know, he just treated me like his own, so it's been a personal loss to me. MF Hussain अब हमारे बीच नहीं है। कल उनका लंदन में हार्ट अटैक से निधन हो गया और इसी वजह से काफी गम में है अमृता। अमृता ने हमारे साथ शेयर किए वो विजुअल्स भी जब MF Hussain ने बनाई थी उनकी पेंटिंग। Have a glimpse of these visuals. इसके अलावा माधुरी दीक्षित ने भी ये कहा है कि उनकी लाइफ का ये अब तक का सबसे बुरा दिन है। और तो और, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने एक्सप्रेस किया है अपना दुख भी। Now we show you the latest pictures from Bollywood. बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट पिक्चर्स इन बॉलीवुड। सो हियर वी गो। शुरुआत करते हैं रणवीर सिंह के इस हॉट फोटोशूट से जो उन्होंने किया है एक मेंस मैगजीन के लिए। इन पिक्चर्स में रणवीर समंदर के किनारे दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजेस। हैव अ लुक। और अब हम आपको ले चलते हैं सीधा फिल्म हीरोइन की शूटिंग लोकेशन पर। ये है फिल्म हीरोइन में ऐश्वर्या राय बच्चन की पिक्चर जिसमें उन्होंने पहनी है काफी ब्राइट ड्रेस। और अब हम आपको ले चलते हैं फिल्म डर्टी पिक्चर के सेट पर। ये है विद्या बालन का लुक फॉर हर फिल्म डर्टी पिक्चर। इस पिक्चर में उनका लुक काफी मिलता जुलता है सिल्क स्मिता से। सो ऑल इन ऑल ये पिक्चर है काफी खास एंड बिंदास। कल थी सोनम कपूर की स्पेशल बर्थडे पार्टी जहां पहुंचे इमरान खान भी। वेल, और कौन कौन आया इस पार्टी में, लेट्स सी इन अ नेक्स्ट स्टोरी। कल थी मुंबई में सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी। Well, ये थी प्राइवेट पार्टी और इसीलिए सोनम ने इस पार्टी में बुलाया था अपने क्लोज फ्रेंड्स को ही। Well, इस पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने इमरान खान जो पहुंचे ब्लैक और व्हाइट आउटफिट में विद अवंतिका। तो चलिए इमरान से पूछते हैं कि कैसी रही पार्टी। Party was great fun, yeah. It's great to be with Sonam again. So, Sonam के लिए क्या गिफ्ट लाया?
I can't tell you that. Well, Imran ये तो नहीं बता सकते कि उन्होंने सोनम को क्या गिफ्ट दिया, लेकिन हम आपको ये जरूर बता दें कि इस पार्टी में पहुंची करिश्मा कपूर भी, जो ब्लैक एंड पिंक ड्रेस में लग रही थी, काफी स्टनिंग। इसके अलावा यहाँ हमें सिकंदर खेर भी पार्टी को एंजॉय करते नजर आए। सो ऑल इन ऑल ये पार्टी थी प्राइवेट, जस्ट फॉर अ फ्यू स्पेशल फ्रेंड्स। वी वंडर कि इस पार्टी में सोनम के स्पेशल फ्रेंड पुनीत क्यों नहीं आए। अब तक तो सिर्फ दीपिका पादुकोण थी अर्जुन रामपाल की दीवानी, लेकिन अब चित्रांगदा भी हो गई है उनकी दीवानी, क्योंकि एक रीसेंट इंटरव्यू में चित्रांगदा ने जमकर की अर्जुन रामपाल की तारीफ। अर्जुन रामपाल। दीपिका पादुकोण ने तो कई बार मीडिया के सामने कन्फेस किया है कि उनका फर्स्ट क्रश अर्जुन रामपाल थे। अर्जुन रामपाल। लेकिन अब इस ब्रिगेड में शामिल हो गई हैं चित्रांगदा सिंह भी, क्योंकि प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज को दिए एक रीसेंट इंटरव्यू में चित्रांगदा ने कन्फेस किया दैट यस, शी इज सो इम्प्रेस्ड बाय अर्जुन रामपाल्स पर्सनालिटी। अर्जुन इज फैंटास्टिक। आई हैव हैड अ कपल ऑफ मीटिंग्स एंड ही इज ग्रेट। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम। आई थिंक ही इज अ फैब एक्टर। He was just so, so good in Rajneeti. I mean, especially when it comes to doing slightly grayer, you know, things, because he's so beautiful, he's so good looking himself, that if he has to be a little negative, I think it just accentuates his beauty even more. So he just becomes a lot more irresistible, I guess. Yeah. दरअसल चित्रांगदा अर्जुन रामपाल के साथ करने जा रही हैं एक फिल्म, और वो बहुत खुश हैं इस बात से कि उन्हें अर्जुन के साथ काम करने का मौका मिला है, क्योंकि she's always been a big fan of Arjun's cool looks. And Arjun is fantastic. I've had a couple of meetings and he's great. I'm very excited to work with him. I think he's a fab actor because he's so beautiful, he's so good looking himself, that if he has to be a little negative, I think it just accentuates his beauty even more, so he just becomes a lot more irresistible, I guess. चित्रांगदा की तो अर्जुन के लिए तारीफें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। We hope Mehrjessia has no problems with this. और अब हम आपको देते हैं एक मजेदार खबर, और खबर ये है कि अनुराग कश्यप के लिए कालके खरीदती है अंडरगार्मेंट्स। We are not joking. And how bold does Kalki find your underwear? She's bought them for me. अगर आपने सही ना सुना हो तो एक बार फिर सुन लीजिए कि कौन खरीद कर लाता है अनुराग काश्यप के लिए सो कॉल्ड बोल्ड अंडरवेयर। And how bold does Kalki find your underwear? She's bought them for me. इतना ही नहीं, अनुराग तो स्टेज पर भी अपनी स्टार कास्ट के साथ अपने अंडरवेयर को लेकर मस्ती करते नजर आ रहे थे। नहीं, अनुराग और मेरे बीच में कंपटीशन चल रहा है कि किसके ज़्यादा स्ट्राइकिंग अंडरवेयर। अभी हमारी बात हो रही थी कि अनुराग फील्स इज गॉट बोल्डर अंडरवेयर देन माइन, तो दिस स्टिल रिमेंस टू बी सीन। एक्चुअली कल्कि वुड बी द जज ऑफ इट। लेकिन स्टेज पर अनुराग ने ये नहीं बताया था कि उनके अंडरवेयर कौन खरीद कर लाता है, लेकिन जब हमने उनसे अकेले में पूछा तो अनुराग ने कह दिया। एंड हाउ बोल्ड डज कल्कि फाइंड योर अंडरवेयर? शी हैज बॉट देम फॉर मी। वेल, अनुराग की बातों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हम पहुंचे सीधा कल्कि के पास और पूछ दिया क्या सच में वो खरीदती है अनुराग के लिए अंडरवेयर। I'm not going to share you my bedroom secrets with you, but yes. Kalki doesn't want to share her bedroom secrets. Lekin haan, Kalki ne itna to confess kar hi liya tha that she purchases underwear for Anurag Kashyap. Undoubtedly, a very naughty couple. रानी मुखर्जी ने एकता कपूर की फिल्म को करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें फिल्म का नाम डायन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एकता कपूर रानी मुखर्जी के साथ बनाने जा रही थी एक फिल्म जिसे विशाल भरद्वाज डायरेक्ट करने वाले थे, और तो और इस फिल्म में रानी के ऑपोजिट होते सीरियल किसर इमरान हाशमी। लेकिन रानी ने इस फिल्म को करने से अब इनकार कर दिया है क्योंकि उन्हें नहीं पसंद आया फिल्म का नाम। दरअसल हुआ यूं कि रानी मुखर्जी एकता कपूर से मिलने बालाजी के ऑफिस गई। वहां उन्होंने स्क्रिप्ट भी सुनी, लेकिन जैसे ही रानी को पता चला कि फिल्म का नाम डायन है तो उन्होंने इसे करने से कर दिया साफ मना, क्योंकि फिल्म में रानी का लीड रोल है और वो नहीं चाहती कि ऑडियंस उन्हें डायन के तौर पर याद रखे। वैसे तो रूमर ये भी उड़ रहा है कि फिल्म ना साइन करने की दूसरी वजह ये भी है, क्योंकि सुनने में आया है कि रानी नहीं चाहती कि वो इमरान हाशमी जैसे नॉट बिग स्टार के साथ काम करे।
well. रानी ने चाहे जिस भी वजह से फिल्म करने के लिए ना कहा हो, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि एकता कपूर को रानी मुखर्जी के साथ काम करने के लिए और रानी को अपने फेवरेट डायरेक्टर विशाल भरद्वाज के साथ काम करने के लिए अब करना होगा लंबा इंतजार। और अब खबर जरा हटके, ऋतिक रोशन के शूज हो गए हैं चोरी जब वो एक रियलिटी शो के लिए शूट कर रहे थे। कल मुंबई फिल्म सिटी में ऋतिक रोशन के शूज हो गए चोरी जब वो एक डांस रियलिटी शो के लिए शूट कर रहे थे। दरअसल ऋतिक एक डांस रियलिटी शो के जज बने हैं और इसके लिए ही उनका कल गोरेगांव मुंबई फिल्म सिटी में एक डांस सीक्वेंस शूट होना था, जिसके लिए डिजाइनर ने तैयार किए थे ऋतिक के लिए एक्सपेंसिव शूज और ड्रेस। ऋतिक के शूज उनकी वैनिटी वैन में रखे हुए थे और वो रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ऋतिक रिहर्सल के बाद अपनी वैनिटी वैन में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके जूते वहां से गायब थे। काफी पता करने के बाद भी जूते नहीं मिल पाए। वेल, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मुंबई फिल्म सिटी में वैनिटी वैन से चोरी की खबर आई हो। इससे पहले अमृता राव का लाखों रुपए का डायमंड नेकलेस भी चोरी हो गया था और तो और यही वो जगह थी जहां से सोनाक्षी की 25 लाख रुपए की रिंग भी चोरी हो गई थी। वी वंडर कहीं फिल्म सिटी में इन तीनों इंसिडेंट्स के पीछे कोई कॉमन चोर तो नहीं। और अब हम आपको दिखाते हैं दीपिका पादुकोण का हॉट एंड सेक्सी फोटो शूट जो उन्होंने किया फिल्म फेयर मैगजीन के लिए। Deepika recently did a photo shoot for Filmfare magazine and no doubt she managed to look hot and sexy just like always. Yeah, Deepika dikhi hame posing with a lot of film fan style. She just couldn't stop giving sexy poses. We must say she romanced with the lens really well. The grey top and blue denim shorts made her look really sultry. At the same time, she looked amazing in a grey short dress. The third look, in which she wore a blue short denim dungarees, made her look appealing too. Similar was the long grey cardigan worn by her, but this time the loose braid made her look ravishing. Ab tak to Deepika dikhi in shades of grey, but in her last look she chose to wear the colour white.